अरे उधर देख, पानी में कुछ है। अरे ये तो जिंदा है। यहां लाओ, यहां रखो इसको। हाँ, आराम से। अरे ये कहाँ गए? कौन हो तुम? और तुमने मेरे साथ क्या किया? कुछ नहीं किया, तुम्हारे साथ तुम्हारी जान बचाई है मैंने। क्या हुआ था मुझे? तुम्हें गोली लगी थी। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? अरे संभालो अपने आप को। अरे सर, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? हमारा मिशन फेल हो गया। मैं कौन हूं? मुझे क्यों कुछ भी याद नहीं आ रहा?
कुछ तो मिला होगा मेरे पास, वॉलेट या कुछ और? नहीं, सिर्फ यही मिला था। ये क्या है? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब यहाँ जाकर ही तुम्हें मिलेगा। जितनी जल्दी हो तुम यहाँ जाने की कोशिश करो, और मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, इसे तुम रख लो। थैंक यू। ए, कौन है तू? मैं तो सिर्फ सो रहा था। तेरा आईडी दिखा। मेरे पास कोई आईडी नहीं है। खड़ा हो, चल खड़ा हो। जेंटलमैन, ये वीडियो दो दिन पहले का है। प्रोफेसर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जो हमारी एजेंसी के सारे राज खोल देगी। अगर हम चाहते हैं कि प्रोफेसर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जाएं, तो हमें प्रोफेसर के सारे पावर्स को वापस लौटाने होंगे। तो आप लोग हमें बताइए कि आगे हमें क्या करना होगा। हेलो सर, मैं लूथरा बोल रहा हूं। हाँ बोलो लूथरा, क्या हुआ? सर, प्रोफेसर ने न्यूज में धमकी की बात कर दी है। मेरी बात ध्यान से सुनो। जी सर। मुझे हर उस बंदे का नाम और डिटेल्स चाहिए जो प्रोफेसर को मारना चाहता है। ओके सर। सर इस वक्त आप कहाँ हैं? मैं एक सेफ जगह हूँ, बाद में बताऊंगा। ओके सर। सर हमें किसी भी हाल में प्रोजेक्ट एम को पूरा करना होगा। क्या इस प्रोजेक्ट के तार प्रोफेसर की हत्या की कोशिश के साथ भी जुड़े हैं? सर हमने जिस एजेंट को ये ऑपरेशन खत्म करने को भेजा था, एक हफ्ते से उसका कोई अता पता नहीं। हमारी सारी टीम उस एजेंट को ढूंढने में लगी हुई है। तुम रेगुलर अपडेट देते रहना, आगे मैं बताऊंगा क्या करना है। ओके सर। एक्सक्यूज मी, मुझे अपने बैंक डिटेल्स चेक करवाने हैं। श्योर सर, मुझे अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। श्योर। मैंने कितनी बार मेरे डिटेल्स दिए? डोंट वरी मैम, मैं चेक करके बताता हूँ। लीजिए। ठीक है सर, मुझे सिर्फ दो मिनट दीजिए। ओके। आप 8 दिन से मुझे बोल रहे हो कि मैं कर देता हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे पैसों की जरूरत है। आप लोग कितनी बार मैनेजर से बात करोगे? हाँ मैम, जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, आप बस यही करते रहो। आप मेरे बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? भावीन, सर को अंदर ले जाओ। अरे पिछली बार तो मैं सब देकर गई थी। आपको जिससे बात करनी है, जो भी बात करनी है कर लो। आप लोग समझते क्यों नहीं हो? कितने टाइम से बोल रही हूँ, 8 दिन हो गए आज। मैम आप समझ क्यों नहीं रही है, प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरा नाम माइकल है। ये दूसरा पासपोर्ट,
थैंक यू। यस सर, जी बिल्कुल, हाँ सर, मैं वो सारे सबूत मिटा दूंगा जो प्रोफेसर को मारने के लिए जोड़े गए हैं। जो भी करना सोच समझ कर करना, तुम एक बार पहले भी गलती कर चुके हो। जी सर, ओके सर। मैंने अभी आपको बैंक में देखा था, मुझे एक हेल्प चाहिए, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? मैं आपको जानती नहीं हूँ तो मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? चलो मैं तुम्हें 25,000 रुपए दे सकता हूँ। देखो मेरा दिमाग सुबह से घूम रहा है और आप ऐसे ही मुझे परेशान कर रहे हो। ये लो 25,000 रुपए। मेरा सुबह से दिमाग काम नहीं कर रहा है और तुम ये पैसे दे रहे हो। ठीक है फिर मेरे पैसे वापस कर दो। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। अरे यार ये कैसे है बैंक वाले, कितने दिनों से मैं बोल रही हूँ कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है और मुझे पैसों की जरूरत है, नहीं सुनते ही नहीं ये लोग। मुझे मेरी बहन के पास जाना है, वो यहाँ नहीं रहती है, मुझे वहाँ जाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। मैं सुबह से परेशान हूँ इसीलिए ऐसा हो रहा है। वहाँ जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ जाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे कैसे भी करके मेरा अकाउंट अनब्लॉक करना है। बस दिमाग खराब करके रखा है ये बैंक वालों ने। रुको मैं गाड़ी चलाता हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है इसीलिए मैं परेशान। आप गाड़ी साइड में लगाओ, मैं चलाता हूँ। मुझे हल्के में लेने की कोशिश कर, ये लोग समझ नहीं रहे। अगर उन्होंने मुझे मेरे पावर्स नहीं लौटाए तो उन सबको बहुत भारी पड़ेगा। सर सर सिक्योरिटी, सर सर आके खोलिए, कोई है? हेलो, क्या एम ने बॉस्को को मार दिया? क्या वो एम ही है? जी वही है, अभी अभी खबर आई है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ वो बैंक गया था, हमारे बैंक वाले आदमी का कॉल आया था, उसे लग रहा होगा कि हमारी नजर बैंक में नहीं है, है मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है वो मर गया होता तो अच्छा होता।
हाय, मैं अश्विका, काजल की फ्रेंड हूँ। उसको कुछ इमरजेंसी काम आ गया है, इसलिए उसने मुझे आपको छोड़ने के लिए बोला है। लेकिन काजल तो रेस्टोरेंट में कुछ लेने के लिए गई थी। उसको कुछ इमरजेंसी काम है, इसी वजह से उसे जाना पड़ा। उसने मुझे बोला है आपको छोड़ने के लिए। आपको छोड़कर मैं वापस गाड़ी लेकर आ जाऊंगी। नहीं, इट्स ओके, मैं यहाँ से खुद चला जाऊंगा। नहीं नहीं, उसने मुझे बोला है आपको छोड़ने के लिए। आपको छोड़कर गाड़ी वापस लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, बैठिए। ठीक है। पहले से ही इतना कम बोलते हैं। मैं कब से बोली जा रही हूं? आप गाना सुनना चाहोगे? आपका फेवरेट गाना कौन सा है? नहीं, मेरा कोई फेवरेट सॉन्ग नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है, कोई ना कोई तो होगा। नहीं, मेरा कोई फेवरेट सॉन्ग नहीं। अहमदाबाद जाने के लिए 25,000 कौन देता है? मुझे तो ये भी याद नहीं है कि एक हफ्ते पहले मेरी लाइफ में क्या हुआ था। तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता। मतलब गजनी की तरह? और आगे बढ़ाओ। और बढ़ाओ। रुको रुको रुको। यस यस यस, फिर से दिखाओ मुझे। हाँ। ये तो बैंक के पीछे का रास्ता। अरे वाह दोस्त, लगता है हमें हमारा पहला सुराग मिल गया है। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या ये जगह कोई जानता है? 150 फीट रिंग रोड। वाह, वेरी गुड दोस्तों, हमें हमारा दूसरा सुराग भी मिल गया है। कंटिन्यू कंटिन्यू, काम चालू रखो। जी सर। ये फोटो 3 घंटे पहले का है। राजकोट की पुलिस एक आदमी को ढूंढ रही है जिसकी हाइट 6 फुट है और कल रात को उसने 2 पुलिस वाले को अस्पताल पहुंचा दिया। सब लोग तैयार हो जाओ तुरंत। जी सर। रुकिए, सब के सब। मुझे सब के सब चाहिए, मुझे शाम तक ये मुर्दा चाहिए। और वो मैप लेकर आओ, मैप को यहाँ लगाओ दोस्तों। सर। कमौन, कमौन, कमौन। काम अभी खत्म नहीं हुआ। जी सर। हमें काम खत्म करना है, जल्दी करो दोस्तों। जी सर। इस डेटा को डिकोड कर सकते हो? जी सर, कर सकते हैं। आ रहे हो ना? एक सेकंड, मैं आता हूं। हेलो। हाँ, होटल कार्निवल। क्या आप अहमदाबाद में हैं? जी। देखिए, मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम माइकल डिसूजा है। हाँ, एक मिनट। हाँ ठीक है। नहीं सर, माफ करिए, ऐसा इसमें कोई नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ। हेलो हेलो हेलो, क्या आप लाइन पे हैं? हाँ। क्या मेरे लिए आप एक और नाम ढूंढेंगे? हाँ बताइए। एक सेकेंड।
मैक्स कार्बल। हाँ एक मिनट। आप मैक्स से बात करना चाहते हैं? हाँ। आपके लिए मेरे पास एक बुरी खबर है। ये बताने के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैक्स गुजर गया है। करीब 8 दिन पहले हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। माफी चाहूंगा सर। क्या मुझे उनका एड्रेस मिल सकता है? ठीक है, मैं चेक कर लूं। हाँ हाँ लिखिए। हाँ, 17 रोड हिल सोसाइटी सैटेलाइट अहमदाबाद गुजरात। थैंक यू। ये देखो, ये सब असली है। इसके सेफ्टी बॉक्स में एक गन होती है और उसका बैंक अकाउंट नंबर उसके गले के लॉकेट में होता है। देखो, मैं जब से यहाँ आया हूँ एक ही चीज सोच रहा हूँ कि यहाँ से कैसे निकलूं। देखो, मैं तुम्हें बाहर खड़ी चारों गाड़ी के नंबर बता सकता हूँ और मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ सामने टेबल पर जो इंसान बैठा है उसका वजन 80 किलो है, और ये भी बता सकता हूँ बाहर जो ट्रक खड़ा है उसमें बंदूकें हो सकती हैं। मैं ये सब बातें जानता हूँ, लेकिन इतना नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। इसके पहले की कोई जानकारी मिली क्या? नहीं सर। ये देखिए सर, इसे जरा जूम करना। ये लड़की कौन है? इसका नाम अस्विका सेन है, 28 साल की है, बेंगलोर में पैदा हुई है। इसका बाप ऑयल फैक्ट्री में मैनेजर था जो 2001 में ही मर गया। माँ की कोई जानकारी नहीं है और उसकी एक बहन है जो बेंगलोर में रहती है। परिवार में उसकी बहन के साथ ही उसका रिश्ता ठीक लग रहा है। ये लड़की अजीब है, मेरा मतलब कि बिंदास है, कभी यहाँ कभी वहाँ, इसलिए इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। इसके क्रेडिट कार्ड के बिल भी भरने बाकी हैं, ना कोई टैक्स है ना कोई क्रेडिट। हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। सुनो, उसकी जो सिस्टर है उसके सारे फोन्स को ट्रेस करो। ओके okay. जो जानकारी मिले मुझे दो। और तुम yes, इन 2 सालों तक ये लड़की कहाँ रुकी, किसके साथ रुकी, मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए जल्दी। ओके okay? और हाँ, अहमदाबाद का जो एजेंट है उसे पूरी डिटेल्स दो और उसे बोलो सारे एजेंट्स को दे दे। जी सर। मैं सो गया था क्या? हाँ, क्योंकि तुम थके हुए थे। वैसे भी काफी दिनों से सोया नहीं था। ये लो। हम पेट्रोल भरवाने के लिए रुके थे। हाँ, जब तुम गहरी नींद में सो रहे थे। अच्छा, तो क्या तुम अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हो? उस बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं है। सर, होटल गार्निवाल से अभी कॉल आया था कि मैक्स के घर का पता किसी ने पूछा है। ठीक है, अपने एजेंट को भेजो, वहाँ जाकर छानबीन करें अभी। ओके सर। यस सर। हेलो, थैंक यू।
यही वो बिल्डिंग है? लग तो रही है, शायद ठीक से कुछ याद नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे चलना चाहिए। चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो, वरना गाड़ी में बैठ के इंतजार करो। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ। अगर मैं आई तो तुम मुझे भी भूल जाओगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। अभी सिर्फ तुम दोनों हो जिन्हें मैं जानता हूँ। डोंट वरी, तुम चाहो तो आ सकती हो। यही तुम्हारा घर है? लग तो रहा है। सुराग मिला क्या? लगता है मैं एक आर्किटेक्ट था। क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? हाँ, श्योर। पानी बहुत ठंडा है। हाँ तुम रुको, मैं चेक करता हूँ। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं। माइकल! ये बैग पकड़ो, देखो इसके अंदर क्या है। बोल, किसने भेजा तुझे? बोल, किसने भेजा तुझे? बोल, तू क्या जानता है मेरे बारे में? बता, कौन हूँ मैं? अरे इसमें तो मेरी तस्वीर है। हाँ ठीक है, और वो भी कल की। इसके पास मेरी तस्वीर कहाँ से आई? अश्विका बताओ, मुझे जानना है तुम्हारे पास मेरी तस्वीर। अश्विका मेरी बात सुनो, अश्विका मेरे साथ बताओ, मुझे क्या कर रही हो? अश्विका इसके पास मेरी तस्वीर कहाँ से आई? अश्विका, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी जूते पहनो अपने। हाँ हाँ पहनती हूँ। देखो अश्विका, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता, जल्दी करो अश्विका। इसने अपने आप को मार दिया।
अश्विका जल्दी करो। अश्विका, अश्विका। एक मिनट सर, खबर मिली है कि एम अहमदाबाद गया था अपार्टमेंट में। हाँ बताओ, अपार्टमेंट में तुमने सबूत मिटाए कि नहीं? नहीं, मैं नहीं मिटा सकती क्योंकि लाश अपार्टमेंट में ही है। तो वहाँ पुलिस है और ये अहमदाबाद है। ठीक है, तुम उसे ढूंढो और जितने भी सबूत मिले मुझे भेजो। तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, उससे पहले की बात ज्यादा बिगड़े। मैं अकेली जाऊं? ये लो मेरा पासपोर्ट। तुम्हारे पास अभी पासपोर्ट है, तुम्हारे पास तस्वीर है, ये जाके उन लोगों को बताओ, वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। अश्विका, मेरी बात का विश्वास करो, हम यहाँ सेफ नहीं है। सेफ? ये एम्बेसी के अंदर की तस्वीर है, ये कौन कर सकता है? और उन लोगों को पता कैसे चला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। मेरी भलाई? तुम मुझे अकेले पुलिस के पास भेज रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम चाहती हो मैं पुलिस के पास जाऊँ? इसमें खतरा है। तुम चाहो तो तुम जा सकते हो। अगर तुम पुलिस के पास जाओगी तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। तुम पुलिस को जाके सब सच बताओ। मैं नहीं जानता क्या हुआ था, मैं नहीं जानता इस तस्वीर के बारे में, नहीं जानता वो आदमी कौन था, यहां तक कि ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं। तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला हूं। देखो, मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। अगर हम दोनों ने एक बार भागना शुरू किया तो हम भागते रहेंगे बिना ये जाने कि हम भाग क्यों रहे। सिर्फ वो लोग जानते हैं कि मैं कौन हूं और मैं ये बिना जाने यहां से नहीं जा सकता, इसलिए मुझे यहाँ रुक के सब कुछ पता करना होगा अपने बारे में। ठीक है, जल्दी पता लगाओ। देखो अश्विका, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। ठीक है। रुको, रुको, मैंने कहा रुको। के बाद ये गाड़ी कभी मत चलाना। ठीक है। और मुझे एक जगह चाहिए छुपने के लिए, आराम करने के लिए। सर, हमें कमरा चाहिए। जी सर, मिल जाएगा। जल्दी थोड़ा। जी सर, यहां पर साइन कर दीजिए। पेन। सर, ये आपकी चाबी। थैंक यू।
कमरा इतना साफ साफ क्यों लग रहा है? मैंने पूरा कमरा साफ कर दिया है सबूत मिटाने के लिए। अच्छा, मैं चल तो सकती हूँ ना? हाँ, तुम चल तो सकती हो, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुम किन किन चीजों को छू रही हो। हमारे लिए सबूत छोड़ने से अच्छा है कि हम कमरा ही छोड़ दें। अच्छा, तो कहाँ जाना है? मुझे अब उस जगह जाना होगा जहाँ मैक्स कार्वेल रुका हुआ था, होटल कार्निवल। अगर शायद होटल के पास मेरी कोई डिटेल्स होंगी तो वो डिटेल्स मुझे मिल सकती हैं बिल के जरिए। बस मुझे होटल के बिल्स की जरूरत होगी, शायद थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, वैसे तुम मर चुके हो। काम शुरू करने से पहले हम दोनों को अपनी घड़ी मिला लेनी चाहिए। ठीक है। तुम मुझे किस नंबर पर फोन करोगी? 9401-111-108। और बाहर निकलने का रास्ता? दो हैं। पीछे सर्विस रोड है, सामने वाला रास्ता बेस्ट रहेगा। और अगर मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है तो मैं तुमसे बात करने की एक्टिंग करती रहूंगी। अगर तुम्हें ऑटो नहीं मिली तो मैं तब तक तुमसे बात करती रहूंगी जब तक तुम्हारा कॉन्टेक्ट ना हो। क्या हुआ? हमें सबूत चाहिए ना? ठीक है। क्या हुआ? कोई गड़बड़ हुई क्या? नहीं, मुझे रिकॉर्ड मिल गया। रिसेप्शन पे जो आदमी था ना, वो मुझे देख के स्माइल कर रहा था, तो फिर सीधा मैं वहाँ पर चली गई। तुम्हें बिल्स मिले वहाँ पर या नहीं? उसने फोटोकॉपी बना कर दिए हैं। तो तुमने उसको क्या कहा? मैंने उसको बोला कि मैं मैक्स की गर्लफ्रेंड हूँ। अच्छा? प्रोफेसर को मार दिया उन्हीं के ऑफिस में, और वो भी सिटी के बीचों बीच। हाँ, मैंने भी सुना, ये काम उसी का है, एम का ने कर दिखाया। ये काम मैंने ही उसे सौंपा था, लेकिन वो नाकाम रहा। जाहिर सी बात है, उसे लगा मुझे ये काम करना होगा। मुझे लगता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा, और यही काम करने का तरीका है। और ये काम ऐसे ही होता है। वो अपने प्लान के मुताबिक चल रहा है और हमारा मिशन पूरा हो गया। वो जल्दी ही वापस आ जाएगा, हमेशा की तरह। कब वापस आएगा वो? 24 घंटे तो लग जाएंगे सर। 24 घंटे? हाँ, उतना टाइम तो लगता है। मैंने कहा था सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे, हम पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। हाँ, मैं समझ गया कि वो हार्डवेयर की शॉप है, लेकिन वो है कहाँ पर? एक सेकेंड, 4-8। हेलो। हाँ, ये आपकी कंपनी सप्लाई क्या करती है?
क्या हुआ? सर अहमदाबाद पुलिस को गाड़ी मिल गई। साइड में लगाओ। अरे क्या हुआ? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, साइड में लगाओ। अरे वहाँ आगे खड़ा है। क्या होटल तो बोल रहा हूँ ना, ऑटो रोको। अरे आगे है, इधर लगो। ये लो। अरे हुआ क्या, बताओ तो सही। चलो जल्दी चलो, चलो। शायद हमारे होटल का पता पुलिस को लग गया है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम चलती रहो। तुम्हें कैसे पता चला? देखो, हमें एक सेफ जगह ढूंढनी होगी। मुझे एक जगह पता है। कमाल कर दिया अहमदाबाद पुलिस ने। एक आदमी हमसे पकड़ा नहीं जा रहा है, हम लोग कर क्या रहे हैं? हम यहीं से शुरुआत करेंगे। फ्लाइट से तो वो जा नहीं सकता और ट्रेन से तो बिल्कुल नहीं। रेवा जी। सर पता लगाओ जरा, ये अहमदाबाद की पुलिस इस मामले में क्या कर रही है। तुमने 24 घंटे कहा था लेकिन वो अभी तक नहीं आया। आप एक खुफिया एजेंट के पीछे हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहा है, और आपको वजह भी पता नहीं। ओवरसाइट कम्युनिटी ने भी इस बात का जिक्र किया था, मैं क्या बताऊंगा उन्हें? इस मामले को हमें गंभीरता से लेना होगा, वरना हमें परेशानी हो सकती है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हम दोनों को मुसीबत हो सकती है। हम लोग दो टीम बनाएंगे, यश और करण। तुम लोग सारी जानकारी लोगे। जी सर। विश्वा और रेवा, तुम लोग उस लड़की का पता लगाओगे, ओके? वो कहाँ रहती है, क्या करती है, उसका आता पता सब। चलो कम ऑन फास्ट, हरी अप। ओके सर। ओके ओके। जो जो नंबर उसने डायल किए थे हमने उसकी जांच की, उसके डाटा का भी पता लगाया, लेकिन कुछ खास पता नहीं चला। ये मार्क देखिए सर, ये उन जगहों का है जहाँ पिछले 2 सालों में वो यहाँ रही है। 1, 2, 3, 4 हमें यहाँ छानबीन करनी होगी। यही हमारे टारगेट्स हैं। साम दाम दंड भेद जो करना पड़े वो करो। इन जगहों से जितनी जानकारी मिले सारी बटोर लो। जी सर। अपनी पूरी ताकत लगा दो। यस सर। यही हमारे टारगेट्स हैं। साम दाम दंड भेद जो करना पड़े वो करो। इन जगहों से जितनी जानकारी मिले सारी बटोर लो। जी सर। अपनी पूरी ताकत लगा दो। यस सर। शायद उसने ये मकान बेच दिया होगा। नहीं, ये घर वो कभी नहीं बेच सकता। अरे यार,
शायद बिजोय लगता है, मैं बात करती हूँ। ठीक है। हाय बिजोय, आप पहचाना? मैं अश्विका। वैसे कोई खास वजह नहीं थी यहाँ पे आने की, मुझे लगा कि तुम यही मिलोगे। ये कैसा सवाल है, ये मेरा घर है तो मैं यही मिलूंगा ना। एक मिनट रुको बेटा। मैं एक वजह से यहाँ पर आई हूँ, मुझे लग रहा है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी रुकेगा क्या? हाँ हाँ। आ जाओ बेटा। वैसे ये करता क्या है? ये आर्किटेक्ट है। बंदा तो सही है ना? तुम खुश हो ना? वैसे तुम मेरा नेचर तो जानते ही हो। ये लो। थैंक यू। मैं यहाँ नीचे सो जाता हूँ। हाँ ठीक है। आइए सर। ये कब हुआ? अहमदाबाद से यहाँ पहुँचना काफी आसान है। मोबाइल से किया गया कॉल इसी लोकेशन का था। ये ब्लैक मार्क क्या है? 2018 में कुछ महीने बिताए थे। ये सूरत के आसपास है। मैंने सारे फोन रिकॉर्ड चेक कर लिए और सारी छानबीन भी कर ली। फ्लाइट से तो वो जा ही नहीं सकते और ट्रेन से जाना भी मुश्किल है, और उसे पता है किसी न किसी तरीके से हम उसे ढूंढ ही लेंगे। पर मुझे पूरा यकीन है इस वक्त वो यहाँ है। यहाँ क्या कर रहे हो? अब मैं नहीं जानना चाहता मैं कौन हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ भी मुझे पता है मैं सब भूलना चाहता हूं। सब ठीक हो जाएगा। क्या हम छुप सकते हैं? क्या तुम मेरा साथ दोगी? मुझे नहीं पता। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आओ कॉफी पियो। जल्दी उठ गए आज? हाँ। कल रात वाली बात सही थी, पता नहीं आज लाइट क्यों चली गई। ये लाइट हर बार जाती है क्या? हाँ अक्सर आती जाती रहती है, बट वो सब छोड़ो, ये लो चाय पी लो। ये लाइट दिन में कितनी बार जाती है? पता नहीं, वो आती जाती रहती है, पर वो सब छोड़ो, अब चाय नाश्ता करो। पापा। हाय, गुड मॉर्निंग बेटा। तुम बच्ची को लेकर अंदर जाओ। क्या? मैंने कहा बच्ची को लेकर अंदर जाओ, मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है। अश्विका ये क्या बकवास कर रहा है? ये जो बोल रहा है वो करो। तुमने कुछ किया क्या? इसने कुछ नहीं किया, आपकी और आपकी बच्ची की जान खतरे में, मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है, बच्ची को लेकर अंदर जाओ। चलो बेटी। माइकल कौन है बाहर? माइकल क्या ढूंढ रहे हो तुम? कौन है बाहर मुझे बताओ? तुम क्या कर रहे हो? ये बताओ क्या हुआ? माइकल मुझे बताओगे तुम क्या कर रहे हो? माइकल! अरे यार मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। माइकल बताओगे मुझे? अगर बच्चे और विजय को कुछ हो गया तो
बच्ची को कुछ नहीं होगा। किसने भेजा तुम्हें? कितने लोग हैं तुम्हारे साथ? बताओ मुझे, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। मैं अकेला ही काम करता हूँ। हम हमेशा अकेले काम करते हैं। कौन हो तुम? दिल्ली? सर्वर टू? सर्वर टू? अहमदाबाद? कहाँ से हो तुम? उन लोगों ने बोला सूरत जाओ। क्या हाल बना दिया मेरा। अरे मेरी बात तो सुनो। मैं नहीं रुक सकता। दो मिनट तो रुक जाओ। विजय, क्या हुआ? देखो, तुम इसके साथ चली जाओ। ये सब रुकने वाला नहीं है। तुम अपने आप को बचाओ। यहां से निकल कर कहीं छुप जाओ। अपने दोस्त रिश्तेदार के घर बिल्कुल मत जाना। और तुम? मेरी फिक्र मत करो। अश्विका चलो। एक मिनट रुको सर। देखो, तुम इसके साथ चली जाओ। तुम क्या करोगे? सब कुछ खत्म। अब तुम जाओ प्लीज। कोड बताइए। कोड बताइए प्लीज। कौन बात कर रहा है? मैंने तुम्हारा आदमी मारा गया है। तुम जो कोई भी हो बात करो, वरना। हेलो माइकल। माइकल, तुम्हारे पास अब दो ही रास्ते हैं। एक तो तुम यहां वापस आ जाओ तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दूसरा, हमें जो करना है वो हम करके रहेंगे। तो तुम मुझे मार डालोगे? मैं कुछ नहीं कर सकता माइकल, जब तक मुझे कुछ पता ना चले। तुम ये बताओ कि तुम्हें दिक्कत क्या है। देखो, तुम यहाँ वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। माइकल, तुम एक बार अश्विका से पूछ क्यों नहीं लेते कि वो क्या चाहते हैं? उसको बीच में मत घसीटो।
देखो माइकल, हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। बस बहुत हुआ, लोगों ने मुझे दो रास्ते दिए थे, अब देखो मैं क्या करता हूँ। माइकल मेरी बात सुन। हेलो माइकल, हेलो पहली फ्लाइट की टिकट बुक करो जी सर। और डीजे को बोलो कि मैं आ रहा हूँ जी सर। एयरपोर्ट पहुंचकर उसे फोन करूंगा। ठीक है। अब क्या करोगे तुम? मैंने कहा था ना मैं सारे सबूत मिटा दूंगा। तो तुम उसको यहाँ लेकर आओगे? नहीं, उसे वहीं मारना ठीक होगा ना। देखो तुमने आज तक कोई ढंग से काम नहीं किया है, दिल्ली से अहमदाबाद तक जान माल का नुकसान ही किया है। एक काम करो पाटिल साहब, कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम कीजिए, शायद आप उन्हें एम की कहानी सुना सके। मैं डीजे ने भेजा है जी सर। तुम मेरे साथ ऊपर चलोगे जी। तुम दोनों यहीं खड़े रहोगे और पूरी तरह चौकन्ना रहना जी। ठीक है, कोई कहीं नहीं जाएगा, ये यूनिट बंद करना है जी। सारा सामान ट्रक में लोड करो। ठीक है। ठीक है सर। पूरा सिस्टम गड़बड़ चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ? ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है ये माइकल का काम है। माइकल हिलना मत। क्या कर रहे हो तुम? अंदर जाओ। माइकल ये तुम क्या कर रहे हो? अंदर जाओ। माइकल ये क्या कर रहे हो तुम? एक बार अपने आसपास देख लो, अब तुम नहीं बचोगे। क्या तुम सर्वर टू हो? सर्वर टू और मैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? माइकल मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। मुझे लगा था कि हम एक ही तरफ हैं। तो किसकी तरफ है? तुम नहीं जानते माइकल कि तुम क्या कर रहे हो और कौन हो तुम। तो कौन हूं मैं? तुम इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो। तुम 15 करोड़ के वो हथियार हो जो अब हम पर भारी पड़ रहा है। लेकिन एक बात सुन लो माइकल, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो याद रखो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। मुझे ये बताओ माइकल कि वेसू में क्या हुआ था? तो तुम वही हो जिसने मुझे प्रोफेसर को मारने के लिए भेजा था। प्रोफेसर को तो जब चाहे हम मार सकते थे माइकल। प्रोफेसर को तो कोई भी मार सकता था, ये भी मार सकता था। मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम खुफिया जानकारी हासिल करो और मुझे भेजो। प्रोफेसर के साथ तुमने मीटिंग की थी, कंपनी भी शुरू की थी, उसके घर में घुसकर खुफिया जानकारी ली थी, लेकिन मुझे नहीं भेजी। तुमने उसी का घर चुना उसको मारने के लिए। दिन भी तुमने चुना, काम भी तुमने चुना, लेकिन इंफॉर्मेशन मुझ तक नहीं पहुंची। अब तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आएगा। देखो मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता। मुझे नहीं लगता कि ये फैसला तुम ले पाओगे। माइकल माइकल ये क्या बदतमीजी, ये क्या कर रहे हो तुम? माइकल मर गया, सुना तुमने? वो 2 हफ्ते पहले ही डूब के मर गया था। जाओ बताओ सबको। लेकिन तुम जाओगे कहां? अगर मेरा किसी ने पीछा करने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या करूंगा। माइकल <Michael! laughs>
Oh!